अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, सीरीज़ हमारी वही कंटिन्यू है, मुसलसल चल रही है, जो कि थी SST BPS 16, जो कि तमाम जल्द SPSC के थ्रू टेस्ट होने वाली है। तो पहले हम पढ़ चुके थे टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, कि वो हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनसे मुतालिक हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, प्रेजेंट सिंपल की भी की थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी की थी, और अभी रिसेंटली हमने प्रेजेंट परफेक्ट की भी की थी। आज की हमारी एक्सरसाइज है ये प्रेजेंट परफेक्ट की, हमने हाल ही में रिसेंटली कंप्लीट की है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर हमें एक्सरसाइज दी गई है, वो हमने कंप्लीट करनी है, जिसमें ऑप्शंस भी हमें दिए गए हैं कि कौन कौन से वर्ब पुट करने हैं हमने इसमें। तो जैसे हम पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ परफेक्ट की बात हो रही है, कंटिन्यूस में इसमें शामिल नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे, हैव और हैज। हैव और हैज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक इसी तरह इधर भी हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं। कौन से हेल्पिंग वर्ब? अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास हैं दो, एक है हैव, दूसरा है हैज। अब इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करना है, फिर हमारा ये कंप्लीट होगा, क्योंकि हैव और हैज सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस के लिए हमने क्या करना है? हैव और हैज के साथ हमने बी का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, क्योंकि परफेक्ट, अगर आपको याद हो तो परफेक्ट में हम हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह अभी हम इसका हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हैव और हैज के साथ वर्ब बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हो जाएगा हैव बिन और हैज बिन। ये थर्ड फॉर्म हैव और हैज के साथ जाहिर करता है परफेक्ट को, सिर्फ परफेक्ट को। कंटिन्यूस जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? अब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बी का थर्ड फॉर्म लगा लिया, तो ये हो गया परफेक्ट। कंटिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं? मेन वर्ब जो होता है उसका हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, जिसको हम इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो उसके आखिर में हम ING लगा लें तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो ये फोर्थ फॉर्म आपको अगर याद हो, पीछे हम पढ़ के आए थे कि वो कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस को जाहिर करने के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और परफेक्ट को जाहिर करने के लिए हैव और हैज के साथ वर्ब बी का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये बन जाएगा परफेक्ट और कंटिन्यूस, हैव बिन हैज बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आइए आज की हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला हमारा जुमला है वी डैश सिंस टॉयल नून, वी डैश सिंस टॉयल नून। अब यहाँ पर हम वर्ब पुट करेंगे वर्क, तो लगाएंगे वी। वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बिन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव बिन, वी हैव बिन। अब ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब वी हैव बिन। वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ और आई के साथ हम हैव बिन इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर के साथ हम हैज बिन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने हैव बिन तो लगा लिया, अब वर्ब का हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा वी हैव बिन वर्किंग, वी हैव बिन वर्किंग सिंस 12 नून। दूसरा हमारा जुमला है इट डैश फॉर 3 ईयर्स कंटिन्यूसली। अब इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज बिन, तो लिखेंगे इट हैज बिन। वर्ब हम लगाएंगे रेन, इट हैज बिन, ये हो जाएगा रेनिंग, इट हैज बिन रेनिंग। रेन का हमने थर्ड फोर्थ फॉर्म लगा लिया, जो कंटिन्यूस को जाहिर कर रहा है। इट हैज बिन रेनिंग फॉर 3 ईयर्स कंटिन्यूसली। तीसरा हमारा जुमला है दे डैश फॉरेनर, दे डैश फॉरेनर। अब यहाँ पर हमने कौन सा वर्ब पुट करना है? यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे ड्राइव, तो लिखेंगे दे हैव, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव बिन, दे हैव बिन। अब लगाएंगे ड्राइव का फोर्थ फॉर्म, दे हैव बिन ड्राइविंग फॉरेनर। चौथा जुमला है हमारा आई डैश ऑल मॉर्निंग, आई डैश ऑल मॉर्निंग। यहाँ पर हम लगाएंगे टॉक, आई के साथ हम लगाएंगे हैव बिन, प्लूरल और आई के साथ हैव बिन लगता है। अब हैव बिन के साथ हम वर्ब का थर्ड फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर हम वर्ब लगा लेते हैं टॉक, तो हो जाएगा टॉकिंग। शी डैश फूड फॉर अस विदाउट अ ब्रेक व्हाइल वी डैश दिस मैच। अब शी इज अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमने क्या करना है? हैज बिन लगाना है, शी हैज बिन। अब यहाँ पर हमने
पांचवा जुमला है, तो पांचवें के लिए हम दो वर्ब हैं, तो इस एक में लगा लेंगे कुक, कुक का हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, शी हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर अस, वो हमारे खाना, वो हमारे लिए खाना बना चुकी है, फॉर अस विदाउट अ ब्रेक, वाइल वी, अब वी इज़ प्लूरल, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव बिन, वाइल वी हैव बिन, वॉच का हम लगा लेंगे यहाँ पर फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा वॉचिंग, वाइल वी हैव बिन वॉचिंग दिस मैच। छठा हमारा जुमला है, माई ग्रैंड मदर डैश आउटसाइड एंड माई फादर डैश वेजिटेबल्स, माई ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर इज़ अ सिंगुलर, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे हैज़ बिन, माई ग्रैंड मदर हैज़ बिन, सिट का हम लगा लेंगे फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा सिटिंग, माई ग्रैंड मदर हैज़ बिन सिटिंग आउटसाइड एंड माई फादर डैश वेजिटेबल्स, फादर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लगा लेंगे हैज़ बिन, माई फादर हैज़ बिन, यहाँ पर हम दूसरा वर्ब लगाएंगे प्लांट, प्लांट वेजिटेबल यानी सब्जियाँ उगाना, तो प्लांट का हम यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लगा लेंगे, जो हो जाएगा प्लांटिंग। अब आखिरी हमारा सातवां जुमला है, द डॉग डैश द केट एंड द केट डैश ऑल अराउंड, द डॉग, डॉग इज़ अ सिंगुलर अगेन, सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज़ बिन, द डॉग हैज़ बिन, वर्ब है हमारा चेस यानी पीछा करना, तो लगाएंगे द डॉग हैज़ बिन चेस का हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ फॉर्म चेसिंग द केट एंड द केट, केट इज अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी हम हैज़ बिन ही लगा लेंगे, तो हो जाएगा द केट हैज़ बिन। अब आखिरी वर्ब हमारा बचा है जंप, जंप का हम यहाँ पर लगा लेंगे फोर्थ फॉर्म, द केट हैज़ बिन जंपिंग ऑल अराउंड। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, जो कि थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू।